आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की आराधना, अपने गुरु के समाधि स्थल पर टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। रेलवे में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों से ठगी करने वाले चार शातिर अभियुक्तों को कैंट पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, रेलवे का उपस्थित पंजिका व 7 मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन श्री गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने वैदिक मंत्रों के बीच किया कलश स्थापना, प्रथम शैलपुत्री की आराधना, उतारी मां जगदम्बे की आरती, लोक कल्याण के मंगल की कामना। जनपद में स्थापित 15 ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। जिला अस्पताल में महापौर, नगर विधायक व सहजनवा के विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सीएमओ ने कहा, अब निर्बाध हो सकेगी ऑक्सीजन की सप्लाई। पिपराइश थाना क्षेत्र के तरकुलही के पास बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार मजदूर से लूटे 48,000 रुपए। एसपी नॉर्थ ने कहा, सीसीटीवी के माध्यम से लुटेरों की जा चुकी है पहचान, जल्द होगा घटना का खुलासा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर की मासिक समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। नौकायान स्थित नौका विहार वाटरवाड़ी झील में जीडीओ उपाध्यक्ष ने पैडल बोटिंग का फीता काटकर किया शुभारंभ। झील में छोड़े बत्तख, कहा छोटे बच्चों को बोटिंग करने में होगी आसानी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई रवि उत्पादकता गोष्ठी, किसानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। नवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन है सतर्क, पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अस्थायी पुलिस चौकी का किया गया है निर्माण, महिला हेल्प डेस्क की गई है स्थापना, एसपी सिटी ने दी जानकारी। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 83 केंद्रों पर कुल 13,151 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। पहली डोज लेने वालों में 6,199 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 6,952 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, पहली डोज के बाद अवश्य लगवाएं दूसरी डोज, रहें सुरक्षित। नवरात्र पर्व के अवसर पर माता मातेश्वरी सेवा दरबार के द्वारा निकाला गया भव्य कलश यात्रा, गोरखनाथ मंदिर से जल लेकर पचपेड़वा स्थित मंदिर में किया गया कलश स्थापित। किराना की दुकान से चोरी करने वाले एक शातिर चोर को उसके दो महिला सहयोगियों के साथ बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का सामान किया बरामद, भेजा जेल। और नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, गोलघर स्थित काली मंदिर में मां भक्तों ने की मां काली की आराधना।